सोलन में पार्किंग की समस्या एक विकराल रूप ले चुकी है, लेकिन नगर निगम सोलन में ना के बराबर पार्किंग है। किसी भी पार्किंग में 50 से ज्यादा गाड़ियां नहीं लग पाती, जिसके चलते ज्यादातर सोलन की पार्किंग भरी रहती है। शहरवासियों और यहां आने वाले पर्यटकों को मजबूरन वाहन सड़क पर खड़े करने पड़ जाते हैं। उनका भारी भरकम चालान हो जाता है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ नगर निगम पार्किंग पिछले कई वर्षों से बन रही है और कई नई पार्किंग बनाने के वायदे भी शहरवासियों से किए गए हैं, लेकिन ये सब कुछ कछुए की चाल से चल रहा है। वहीं दूसरी ओर शहर में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। शहरवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि अतिथि देवो बाबा कहने से काम नहीं चलने वाला, उन्हें सुविधाएं देना भी नगर निगम का दायित्व है। उन्होंने कहा कि जब भी वे अपने घर से वाहन लेकर आते हैं तो उन्हें यही डर सताता है कि उनका चालान हो जाएगा, या तो वे अपने वाहन निकालते ही नहीं है, अगर निकालते हैं तो पार्किंग ना मिलने पर उनका चालान निश्चित है। सोलन में हर तीसरे व्यक्ति के पास आजकल वाहन है, उनमें से हर चौथे व्यक्ति का चालान हर माह होता है। पुलिस ने पिछले माह करीबन 30 लाख रुपए के चालान शहरवासियों से किए हैं। शहरवासियों के अनुसार चालान पुलिस विभाग का सबसे बड़ा आय का साधन है, जो जनता की गाड़ी कमाई से आती है। उन्होंने कहा कि पहले नगर निगम को प्राथमिकता के तौर पर पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए और फिर चालान काटने चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए वे मानते हैं कि पार्किंग के मुद्दे पर नगर निगम पूरी तरह से असफल रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है पार्किंग। अतिथि देवो भवा कहने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। आज सबसे ज़्यादा सोलन की जो समस्या है वो पार्किंग है, और पार्किंग को लेकर के कोई योजना नहीं है। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले समय में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जब अपने मैनिफेस्टो जारी करेंगी तो अवश्य ही उसमें कम से कम सोलन की आबादी के अनुपात में और यहाँ रजिस्टर्ड वाहनों के अनुपात में पार्किंग की व्यवस्था का प्रावधान करेंगी और स्थानों को चिन्हित करके लोगों को बताएंगी कि हम यहाँ यहाँ पर पार्किंग का निर्माण करने वाले हैं। क्या सर आपको गाड़ी खड़ी करने के बाद चालान का डर सताता है? स्वाभाविक है, वो पुलिस विभाग की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। चालान सबसे बड़ा आय का स्रोत है पुलिस विभाग की। आज तक कितने चालान हुए सर आपके पार्किंग के इशू में? अनेकों चालान हुए, उसमें कोई मतलब ऐसा ध्यान नहीं है, जबकि हम अपने आप को बड़ा कॉन्शियस रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी होते हैं, और यही नहीं होते हैं, प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी होते हैं, क्योंकि ये समस्या हिमाचल प्रदेश की मूलभूत समस्याओं में से एक है। सर आपको क्या लगता है कि नगर परिषद सोलन इस मामले में पार्किंग के मामले में विफल रही है? पूर्णता, क्योंकि इस नगर को योजना पर तो बसाया नहीं गया। ये प्रकृति की दृष्टि से बसा हुआ शहर है, योजना है नहीं, और योजना के समय राजनीति आड़े आ जाती है। अगर सर हम सोलन में पार्किंग की बात करें तो आप 10 में से कितने नंबर देंगे नगर परिषद? शून्य दूंगा मैं। शून्य की व्यवस्था के अनुरूप यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था को किया गया है, कोई योजना नहीं है। म्यूनिसिपल कमेटी में जो पार्किंग बनी है उसका नक्शा ही गलत है, उसका उसमें आने का और निकासी के जो रास्ते हैं वही अनुकूल नहीं है। वो एक अनप्लान्ड तरीके से बनी हुई पार्किंग है, और यही चीज़ें बाकी जगह पे हैं। योजनाबद्ध तरीके से कोई पार्किंग नहीं बनी है। पार्किंग की सोलन में बहुत समस्या है जी। आज के टाइम में जैसे आप देख लो, गवर्नमेंट ने मतलब चलान के लिए डेली मतलब पुलिस वालों को बोल के रखा है कि पर बंदा 10 चलान करेगा, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है। हालांकि पिछले महीने भी 30 लाख के करीब इनको रेवेन्यू मिला है पुलिस वालों को, गवर्नमेंट को, सरकारी गवर्नमेंट को, सरकार को गया हुआ है। बाकी जिस हिसाब से ये हर महीने 30 लाख का चलान मतलब रिकवर कर रहे हैं लोगों से, और यहाँ पार्किंग की समस्या भी बहुत है। अगर पार्किंग यहाँ बस स्टैंड के आसपास या कहीं बनाया जाए तो लोगों को बहुत सुविधाएँ होगी। पार्किंग यहाँ पे जो बने हैं इतने दूर बने हैं कि वहाँ पे लोगों को गाड़ी लगाना और फिर बाजार आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सर जैसे आप अपनी गाड़ी कहीं पर पार्क करते हैं तो क्या आपको ये चिंता सताती है कि कहीं चालान ना हो जाए? बिल्कुल जी बिल्कुल। एक तो देखो पार्किंग जो यहाँ पे है वहाँ तो पूरा फुल रहता है, एट अ टाइम फुल रहता है। जब हमने मार्केट मुर्केट आना हो तो हमारे को गाड़ी घर में ही छोड़ के आना पड़ता है। अगर हम कहीं भी बाजार में कहीं इधर उधर लगा देते तो एकदम चालान हो जाता है, वो बाद में पता लगता है जब मैसेज आता है हमारे मोबाइल में। तो सर आज तक आपके ऐसे कितने चालान हो चुके हैं नो पार्किंग के? मेरे तो अभी हार्डली पिछले मंथ ही 3 चालान हुए आइडल पार्किंग के, 3 चालान हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि नगर परिषद पार्किंग के मामले में विफल रही है? बिल्कुल जी बोल सकते हैं।
क्योंकि ये सारा सिस्टम तो गवर्नमेंट को देखना है। और पार्किंग के मामले में अगर हम बात करें तो आप 10 में से कितने नंबर देंगे नगर परिषद सोलन? 10 में से 4 नंबर देने चाहूँगा। और जो आपने 6 काटे? हाँ जी, जो आपने 6 काटे हैं वो किस लिए? 6 इसीलिए काटे कि कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है पार्किंग के लिए यहाँ पे। बस मतलब वादों में ही रखा हुआ है कि भाई लोगों को बस जुमला दिया हुआ है कि करते रहेंगे हम पार्किंग के लिए, बना रहे इधर उधर। पार्किंग की समस्या इस टाइम करीबन लगाइए कि अगर सोलन में ट्रैफिक 100% है तो पार्किंग आई थिंक 30% भी अवेलेबल नहीं है। इवन इसमें पेड पार्किंग को भी आप इंक्लूड कर लीजिए तब भी मिला के 30% पार्किंग जो है प्रॉपरली नहीं है शहरवासियों के लिए। शहरवासियों जो अब आपको पता ही आजकल हर किसी की नेसेसिटी, हर किसी की नीड बन चुकी है कि अपने लिए एक पर्सनल व्हीकल रखना कंपल्सरी हो चुका है आज के माहौल के हिसाब से। तो जितने ज़्यादा व्हीकल बढ़ गए हैं शहर में उसके हिसाब से पार्किंग कैपेसिटी है ही नहीं शहर में। ठीक है, पार्किंग सिर्फ कमेटी एरिया में है या शहर के बीच बीच में तो पार्किंग है, साइडों में जाके तो बिल्कुल ही पार्किंग नहीं है। वार्ड नंबर 1 में जैसे बिल्कुल पार्किंग नहीं है, टैंक रोड पर कहीं पार्किंग है ही नहीं, फॉरेस्ट रोड पर बिल्कुल पार्किंग नहीं है। तो वहाँ अगर एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी आ जाए तो इतनी कंजेशन हो जाती है, निकलना मुश्किल हो जाता है। और जैसे आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो क्या आपको डर सताता है कि चलान पर? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हम मतलब कि दो मिनट भी अगर हम सोच जाना चाहे ना अपना थोड़ा सा दूर अगर, तो एकदम ही पीछे से पुलिस वाले आके मतलब कि वार्निंग भी नहीं देते हैं, वो तो सीधा चलान करने की बात करते हैं। मतलब एक बाय लॉ ये बनता है कि वार्निंग दी जाए कि सर मैं अभी जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर अगर हमारे पास कोई कस्टमर आता है शॉपकीपर्स के पास तो उसको कस्टमर को 2 मिनट या 3 मिनट का मिनिमम टाइम देना चाहिए कि वो कस्टमर अपना सामान लेके जा सके इजीली, ताकि दुकानदारी की दुकानदारी भी चले, क्योंकि मोस्टली जो कस्टमर है वो बाहर का ही आता है शहर में। सर अगर हम बात करें नगर परिषद को, अगर आप 10 में से नंबर देना चाहें पार्किंग के मामले में तो आप कितने नंबर देंगे 10 में? तो देखिए उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो आप लगा लीजिए यही 30% 3 नंबर ही दूंगा इस हिसाब से। क्या मानते हैं? मेरा नाम शाबिज़ खान है सर। मैं आजकल बहुत दिक्कत आ रही है और ज़्यादातर ये है कि ग्राहक आता सड़क पे 2 मिनट भी गाड़ी लगाता है तो उसका चलान हो जाता है, ऑनलाइन चलान है 2 मिनट में हो जाता, पता भी नहीं चलता चलान हो गया या नहीं हुआ। मेरे सर 4-5 चलान हो चुके हैं, मेरे ग्राहकों के भी हो गए, मेरी दुकान है, दुकान पर 2 मिनट को कोई भी आता सड़क पर लगाता उसका चलान हो जाता है।